यार मैं नहीं सेटिस्फाइड इन वालों के साथ यार, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को टेंट कराने लगी, मैं चली पापी अंदर टेंट करवाने। चाबी नहीं मिल रही, जो मैं चाबी लगा के आई हूँ हॉस्टल के रूम को, उसकी चाबी पता नहीं कहाँ गई। ताला तोड़ लूँ फिर क्या करूँ, ढूंढेंगे आज चाबी। तो आज हम बालों का कल्याण करने जा रहे हैं, जो मैंने कल्याण किया था कल, उसके बाद अभी हम एक और कल्याण करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो अभी अपलोड नहीं करी मैंने, एडिट भी नहीं करी, अब इसको एडिट करना है। क्या यार सारी वाइब खराब कर दी। तो आई एम रेडी, वेट। मतलब आपको ना वीडियो में नहीं पता चलेगा कि मतलब बाल खराब हुए, पर रियलिटी में देखोगे ना पता चलेगा कि बाल खराब हुए हैं। मैं सही में संजना लग रही हूँ, क्या नाम था मूवी का, मेरे को फिर से मूवी का नाम मिल गया, कुछ कुछ होता है मैं जो काजोल है वो। तो उसके बाद मतलब ऐसे हुए थे ना, मतलब वीडियो में सच में नहीं पता चलता। अगर वीडियो जैसे बाल लग रहे होते तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर पीछे से भी बिल्कुल जो कटिंग है ना बिल्कुल खराब हुई है, प्रॉपर बाल ऐसे 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 जा रहे, इसलिए मैं अब वापस कटवाने लगी। तो अब पता नहीं मैं कटवाऊंगी तो क्या क्या कैसा होगा, इसलिए आज मैं कोको को साथ ले जा रही हूँ कटवाने, क्योंकि अगर बाल अच्छे कटे तो कोको लकी है, अगर बाल अच्छे कटे तो कोको लकी है, कोको को हमेशा साथ ले जाऊंगी। अगर बाल गंदे कटे तो कोको को कभी साथ नहीं ले जाऊंगी, ठीक है कोको साथ ले जाएंगे आपको, आप लकी हो मेरे, ठीक है। कोको को नहीं बताना, कोको का इंस्टाग्राम पे पेज भी है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, कोको देवयाल। इसके खाली पता नहीं कितने फॉलोवर है, पता नहीं कोई 34 होगी शायद, काफी फेमस हो गया मैं आजकल, याद नहीं आ रहा कितने, चलो 34 है शायद। इसको फॉलो करो कोको को इंस्टाग्राम पे। इसकी स्वेटर कैसी है, वी आर ट्विनिंग, ओ माय गॉड आज हम ट्विनिंग कर रहे हैं। चलो कोको बाय। नहीं अगर तुझे साथ जाना कोको की सर्वाइकल ना हो जाए मम्मा, ऐसे 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 बैठो लेटर पर, कैसे लेटाऊ ठीक है, लोगों को लगेगा मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, इनको क्या पता बीच में कोको है। चलो ओ शिट मैं मास्क भूल गई, आप ही मास्क भूल गए, अब क्या करें, ऐसे जाना पड़ेगा पूरे रास्ते। नहीं यार मेरे पास में भी नहीं। सैलून में आई हूँ और उसमें इतनी गंदी मुश्क है, पर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि ये काफी अच्छा है इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, पर ये हबीब तो नहीं है, ये तो हबीब है, और ऊपर से इसमें मुश्क इतनी गंदी बर्दाश्त ही नहीं हुई, इतनी क्या के अंदर जनानी ऐसे बैठी है जैसे पार्टी करने आई है, गार्डन में आई है पिकनिक मनाने, फिर मैंने मास्क लिया, मास्क पहना फिर भी मुश्क बर्दाश्त नहीं हो रही। यार मैं नहीं सेटिस्फाइड इन बालों के साथ यार, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को टेंट कराने लगी, मैं चली पापी अंदर टेंट करवाने, मजाक कर रही हूँ यार, टेंट थोड़ी कराऊंगी अब। यार मैंने उनको बोला कि मेरे थोड़े बाल की वॉल्यूम कम करो, तो वो बोलते वॉल्यूम नहीं कम हो सकती, आप बालों को जितना स्टेप करवाओगे उतने आपके बाल और ऐसे हो जाएंगे, जो कटिंग मैं सोच के आई थी कहते अगर आप वो करोगे तो फिर आपके बाल और फूल जाएंगे, तो फिर इसलिए उसने ये कर दिया कुछ, कह दो जुगाड़ फुगाड़ करके उसने कर दिया। तो अब यही है कि मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कह रहे फिर बॉयकट करवा लो, बॉयकट भी कराऊंगी पर अभी थोड़ी यार बॉयकट करा लूं। यार जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना अपनी मासी के घर, तो यहाँ पे किसी का घर है और यहाँ पे बाहर बॉटल्स लगी है ये देखो, तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि बॉटल क्यों लगी। एक बार किसी आंटी से पूछा कि बॉटल क्यों लगी, तो आंटी ऐसे बोलती कि कुत्ता पॉटी कर जाता है यहाँ पे घर के बाहर इसलिए बॉटल लगाई है। तो बॉटल लगाने का कुत्ते की पॉटी करने से क्या, मेरे को समझ नहीं आई, अगर आपको पता है तो फिर बताओ मतलब क्या 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 ऐसा क्यों है। तो मैं मौसी के घर आई, कोको को निकालो मम्मा, क्या हुआ आई मम्मा। तो मैं कह रही थी अगर कटिंग गंदी हुई, हो गया कान बंद कर लेते सुन लेगा, अगर कटिंग गंदी हुई तो कोको को हम आज के बाद साथ ही ले जाएंगे, लेकिन कटिंग अच्छी हुई है मतलब ठीक है, मतलब
जिस हिसाब के मैंने खराब किए थे उस पे बंदे ने कुछ ना कुछ कर ही लिया, तो उस हिसाब से मैं कितनी पागल हूँ, लोग पागल समझेंगे मेरे को, तो उस हिसाब से कोको को हम साथ ले जाएंगे अब हर जगह, लेकिन बैक कैमरा डाल के लोग, क्योंकि ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं यार, अगर मैं कोको को ऐसे हाथ में साथ लेके जाऊँ सब देखते हैं। कोको वापस अंदर चले जाओ। पर मेरे को फिर साथ लाया क्यों है यार? कोको यार घर पे बैठने से अच्छा ना कि बैग के अंदर बैठो। अब मैं जा रही हूँ पीजी और वहां से सामान शिफ्ट करना है हॉस्टल में। हुमा ये क्या पहाड़ इकट्ठा कर दिया आपने? कपड़े हैं कि लाशें? जल्दी करो मम्मा, टाइम कम है यार, जल्दी करो। अभी सारे कपड़े प्रेस करने हैं, उसके बाद पैक करने, उसके बाद लेके जाने। बैग खाली है ना मम्मा? ठंडे कौन से ठंडे कपड़ों से भरा हुआ है? क्या यार ये क्या बैग तो इधर ही हमने भर के रखा हुआ है। हाँ तो ये वही कपड़े जो मैंने धोए ठंडे। अच्छा अच्छा चलो जल्दी करो जल्दी करो। सामान पैक कर लिया, मतलब शिफ्ट कर सकती थी अभी, पर चाबी नहीं मिल रही जो मैं चाबी लगा के आई हूँ हॉस्टल के रूम को, उसकी चाबी पता नहीं कहाँ गई। ताला तोड़ लूँ फिर क्या करूँ? ढूंढेंगे आज चाबी। इतनी सी चाबी है अम्मा, कहाँ मिलेगी अम्मा? तूने इतना सा ताला लगाया क्यों? अगर लगाया तो मुझे बताना था ये चाबी मेरे पास में दे, मेरे पास अब मैं कल ही शिफ्ट करूंगी। तो आज मेरा लास्ट पेपर था और अब मैं पीजी छोड़ के जा रही हूँ, तो अब मैं हॉस्टल जा रही हूँ। मेरा कमरा और हम जा रहे हैं। यार मेरा मेरे को मेरा रूम नहीं याद आ रहा कौन सा था, और मैंने सबको खजल कर आया हुआ अपने साथ। रूम मिल गया और अब रूम की चाबी घूम गई, और अब मैंने ट्राई किया, मेरे को लग भी गई ताला तोड़ने की, पर यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, ताला में से टूटा नहीं। अब एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद मेरे साथ ये सारी लड़ियाँ खजल हुई हैं, मम्मा भी खजल हुए हैं, और बस पहले एप्लीकेशन लिखनी है, फिर वो आएगा कोई ताला तोड़ने के लिए। तो जिस चाबी के लिए इतने संघर्ष कर रहे थे हम, वो चाबी निकली मेरे पॉकेट से, और वो भी एक नहीं तीन तीन। देखना मम्मा ये कैसे पकड़ा हुआ फोन यार, अब कैमरा स्टैंड हो गया। हिलाओ यार मेरे साथ से हिलाओ। ओके बाय।